टॉपिक है हमारे पास जीन थेरेपी। ये टर्म अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जीन भी है और थेरेपी भी है। तो इसका मतलब है किसी चीज के करेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे कोई थेरेपी जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि यहाँ पे हम जीन करेक्शन करने वाले हैं, और जीन करेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले, अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1990 में, मतलब 1990 में, 4 साल की एक लड़की थी, उसको एडिनोसिन डी एमिनेस डेफिशिएंसी नाम का डिसऑर्डर था। तो एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डी एमिनेस, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है एडीए। तो एट फर्स्ट जीन थेरेपी, सबसे शुरू में एट फर्स्ट जीन थेरेपी सबसे पहले इसको क्यों अप्लाई किया गया, वॉज अप्लाइड फॉर एडीए। इसके नीचे लिख लीजिए एडीए से आप क्या समझते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। मतलब उसको एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है। मतलब इस एडीए का मतलब तो एडिनोसिन डीएमिनेज ही है। हम यहाँ पे इस डिसऑर्डर के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ से डेफिशिएंसी हटा देती हूँ, बाद में लिखेंगे इसको। पहले इसका मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन और आएगा, नहीं है तो क्या हो गया, है ना? ऑब्वियस है, सोचेंगे कि अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रोल ऑफ एडीए बॉडी। इसमें हम लोग लिखेंगे दिस एंजाइम क्रूशियल और ये किस चीज के लिए चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा काम करने के लिए, क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम फंक्शन, ताकि अच्छे से काम करे। हो गया ये? ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ कि एडीए जो है वो डिस्टर्ब हो गया या नहीं बना या कुछ हुआ? तो इसका रीजन पहले मैंने रोल लिख दिया यहाँ पे कि एडीए का आपकी बॉडी में रोल क्या है, ये रहा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगले अगले पॉइंट की तरफ जब हम बढ़ते हैं, इसका कॉज क्या है, कॉज और रीजन। कॉज और रीजन में हम लोग लिखते हैं इट अकर्स ड्यू टू डिलीशन ऑफ, वो जीन ही गायब हो जाएगा ना, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, जो जीन इसको एक्सप्रेस करेगा वो जीन ही क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन विच एक्सप्रेस एडीए। इतना आसान है, ऐसे देखा जाए तो ये काफी टफ टॉपिक लगता है बच्चों को, बट ऐसा कुछ है, इसको सिंप्लीफाई करके धीरे 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 इजीली लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, अब हम करेंगे क्या, हमने इसका रोल भी देख लिया, कॉज भी देख लिया, फिर इसके बाद बात करते हैं। मतलब इतना आसान तो ये है नहीं, जीन ही गायब हो गया। अगर जीन का करेक्शन इतना आसान होता तो क्या डाउन सिंड्रोम को नहीं ट्रीट कर लेते हम, जो मैंने आपको सिखाया था 5वें चैप्टर में कि ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम हो जाता, वहां भी कर लेते हम लोग। लेकिन इतना आसान काम ये है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक जो हार्मोन है उसी, मतलब एक एंजाइम है उसी का सिक्रीशन जो है वो बंद है। जब सिक्रीशन नहीं होगा तो इसका इम्यून सिस्टम अच्छा काम नहीं करेगा। तो इसका तरीका क्या है,
अगर हम कुछ चिल्ड्रन के बारे में बात करें, एडल्ट में तो पॉसिबल नहीं है, कुछ चिल्ड्रन में अगर हम बात करें तो ये कैसे क्योर किया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। ठीक है, क्योर के बारे में बात करते हैं। क्योर की हेडिंग दे दी हमने, फिर लिखा इन सम चिल्ड्रन दिस कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बस यहाँ ट्रांसप्लांटेशन लिखने नीचे में ही हाइड हो रहा है यहाँ पे। ट्रांसप्लांटेशन यहाँ लिख देती, बाद में नीचे करेंगे। देखो ट्रांसप्लांटेशन का क्या लिख लीजिए, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से इसका करेक्शन हो रहा है। बात समझ आई? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? वापस मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ, इतना मैं रिकॉल कर रही हूँ जो मैंने अभी तक आपको दिखाया। ये डिसऑर्डर क्या है? एडिनोसिन डी एमिनेस की डेफिशिएंसी हो रही है। क्या काम है इसका? आपके इम्यून सिस्टम को काम कराने के लिए चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं है, नहीं काम करेगा आपका इम्यून सिस्टम। क्यों हो रहा है, इसका कॉज और रीजन क्या है? क्योंकि बॉडी में से वो जीन गायब हो गया है जो एडीए को कोड करते हैं। क्या तरीका है, कैसे ट्रीट कीजिएगा, फिर इसको कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे? आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में ये पॉसिबल है। अगर आप आगे जाके सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा यंग एज में एडल्ट एज में चले गए हैं तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है आगे, कुछ अदर केसेस में हम लोग इसको कैसे करते हैं? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से करते हैं। कैसे करते हैं? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। In other cases, it can be treated by enzyme replacement therapy in which a functional ADA is given to patient by injection. मतलब उस पेशेंट को ADA का ही इंजेक्शन लगा दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान थोड़ी है जितना आपको दिख रहा है या देखने में लग रहा है। आपने बोला चलो कोई बात नहीं, हम उसको ADA का इंजेक्शन लगा देते हैं, इतना आसान नहीं है। उसके लिए करना क्या पड़ता है? उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि उसी पेशेंट की बॉडी में से लिम्फोसाइट को निकाल के उसका कल्चर बनाया जाता है, जैसे कल्चर आउटसाइड द बॉडी। और फिर क्या किया जाता है, एक फंक्शनल जो है एडिनोसिन डी एमिनेस उसको बनाया जाता है रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज करके। तो दूसरा वेक्टर यूज कीजिए, उससे इसको बनाइए, फिर वापस जो ये लिम्फोसाइट है उस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका करेक्शन होता है, किसका? एडीए डेफिशिएंसी का। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उस पेशेंट को टाइम टू टाइम इसका ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और ये सेल्स जो है ये इमॉर्टल नहीं है कि एक बार अगर आपने डाल दिया तो ये अमर हो जाएगा, उस बंदे को हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। इसकी वजह से क्या किया जाता है, पीरियोडिकली इसको बॉडी के अंदर डाला जाता है। हाँ, एक और चीज़ है कि एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। लेकिन अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम में, मतलब जब कोई फीटस जो डेवलप हो रहा है मदर स्वॉम्ब के अंदर, तभी इसका करेक्शन जो है पॉसिबल है। अगर नहीं है और अगर आप फिर सोच रहे हैं कि हम इसका करेक्शन करा लेते हैं, तब ये पॉसिबल नहीं है, समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ एक हिंट कर दिया जो मैं लिख रही थी, शुरू में हम लोग क्या करेंगे इसमें बोन मैरो। तो एक तरीका आपने क्या लिखा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो है इट कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड बाय enzyme replacement therapy। replacement बोला जा रहा है यहाँ पे, मैं addition नहीं लिख रही। replacement का मतलब है एक बार दिया फिर दूसरी बार दीजिए फिर next दीजिए, replace कर करके देते रहिए। तो periodically इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है।
यहाँ पे अब आप मेरे से पूछेंगे कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें लिखिए ड्यूरिंग दिस थेरेपी, ड्यूरिंग दिस थेरेपी ADA is given to the patients by injection. इंजेक्शन के थ्रू क्या क्या होता है इसको दिया जाता है, इसी को आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव तो है नहीं, तो जीन थेरेपी में अगर आपको करना है तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, थेरेपी बोल रहे हैं तो थेरेपी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इसका। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग इसके स्टेप को लिखना स्टार्ट करते हैं, पहला लिखते हैं लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी पेशेंट्स कल्चर, इसको एक कल्चर में ग्रो किया जाता है। आउटसाइड द बॉडी मतलब लैब कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में हम उसको ग्रो करा रहे हैं। आउटसाइड द बॉडी लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देती हूँ इन विट्रो, अब इसके बाद क्या होता है जो फंक्शनल है, फंक्शनल एडीए इज देन इंट्रोड्यूस्ड उसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। आपकी किताब में जो पेज 197 पे मैंने डायग्राम समझा रखा है ना, उसी की बात कर रही हूँ। तो अ फंक्शनल एडीए इज देन इंट्रोड्यूस्ड मतलब फिर आप उसको क्या कीजिएगा, एक वेक्टर का इस्तेमाल करके उस लिम्फोसाइट में डाल दीजिएगा। इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, दीज लिम्फोसाइट्स subsequently returned to the patient मतलब किसी तरह के कोई एडवर्स रिएक्शन से बचने के लिए लिम्फोसाइट ऐसा नहीं कि दूसरे की बॉडी से, उसी की बॉडी से हमने लिया है फिर उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बाद वापस मतलब फंक्शनल एडीए उसमें लगा के फिर वापस उस लिम्फोसाइट को उसी को दे दिया जाता है पेशेंट। ये हो गया, दीज
नॉट इमॉर्टल सो इट रिक्वायर्स टाइम टू टाइम, मतलब पीरियोडिकली मैं लिख सकती थी टाइम टू टाइम इन्फ्यूजन ऑफ सच इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। हो गया बस। और लास्ट में एक चीज हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसको परमानेंट क्योर के बारे में आप सोच रहे हैं तो एक ही तरीका है लास्ट में कि अगर इसको कब किया गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम में किया गया। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे और आखिरी लाइन लिखने जा रही हूँ, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन लिख लेते हैं। हेडिंग देंगे परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर में लिखेंगे इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA is introduced into cells during embryonic stage can be permanent cure हो गया। तो होता नहीं है, मतलब इट कैन भी हो सकता है, इट कैन भी परमानेंट, मतलब अगर कोई सोचे क्या हो नहीं सकता क्या, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक बात सिखाई है कि हाँ अगर ऐसा हो तो इस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जीन थेरेपी समझ आया? अगर नहीं समझ आया मैं एक बार वापस रिवाइज करा दूँ जीन थेरेपी को। ठीक है, क्योंकि ये जीन थेरेपी वाले में भी बच्चों की कंप्लेन होती है कि मैम हमें समझ नहीं आ, बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। आपको सीधा सीधा टॉपिक आएगा लिखने को जीन थेरेपी, आप सोचेंगे हमें क्या लिखना है। तो जीन थेरेपी जो है, जीन थेरेपी में हम एक सबसे पहली दफ़ा जो हमने किया है, आजकल तो बहुत सारे केसेस में किया जाता है, वो हमने एडिनोसिन डीएमिनेज के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एडीए का फुल फॉर्म लिखा, एडीए का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, क्या है ये? एंजाइम है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए क्या है ये, एंजाइम है। क्या करता है ये? आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा काम कराता है। एडीए डेफिशिएंसी होने का क्या रीज़न है? तो वो जीन ही ध्वस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जो कि इसको कोड करता है एडीए को। ठीक है, कैसे क्योर करेंगे? अगर बच्चों में करना चाहते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे केसेस में हम लोग बात करें, दूसरे केसेस में क्या किया जाता है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू किया जाता है। बोलने का मतलब है कि उसको क्या कीजिए, टाइम टू टाइम इंजेक्शन के थ्रू एंजाइम जो है वो दीजिए। ठीक है, अब जीन थेरेपी के लिए अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, इसी को समझना है बस, तो जो पेशेंट है, मतलब जिसकी बॉडी में एडीए नहीं बन रहा है, उसी की बॉडी से लिम्फोसाइट लिए जाते हैं। पहली बात, लिम्फोसाइट हमने कहाँ लिया? पेशेंट आपकी बॉडी से नहीं लेगा, किसी ऐसा नहीं किसी हेल्दी बंदे से मांगने जा रहा था उन्होंने लिम्फोसाइट दे दे, उसी पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट लिया जाता है। ठीक है, फिर एक फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज जो है वो उसके लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जोर देंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से।
फिर उस पेशेंट को बोलेंगे लो भाई तुम्हारा लिम्फोसाइट हमने ठीक कर दिया, अभी एबीए बना सकता है। फिर हम क्या करेंगे, उसे पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये जो सेल्स है ये जिंदगी भर के लिए अमर हो गए तो आया नहीं, ये इमोर्टल तो है नहीं, तो जिसकी वजह से पीरियोडिक इंफ्यूजन करना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, इस पेज पर मैंने आपको इतनी बातें समझाई हैं। उसके जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, परमानेंट क्योर क्या नहीं हो सकता क्या? अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो उसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि किसी का अगर मैरो है तो वहाँ से एडीए को पहले ही इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये सब कब होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। जीन को आप बोन मैरो से निकालिए, एडीए को जो क्या करता है बनाने का काम करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम में, और फिर उसको करेक्ट करके वहाँ पे ठीक कीजिए। ठीक है, लेकिन ये पता चले बिल्कुल शुरुआती स्टेज में तभी तो उसको क्योर किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया है जीन थेरेपी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये जीन थेरेपी का टॉपिक क्लियर है बिल्कुल? और सबसे पहली बार इसको 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड की गर्ल थी, उसमें इसको सबसे पहले देखा गया था ट्रायल करके कि हमें होता है नहीं होता। अब मरने से तो अच्छा ही है कि कुछ ना कुछ ट्राई करके देख लेते हैं, हम इसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, समझ में। तो यहाँ पे एक गर्ल में 1990 में इसको किया गया था। 1990 में जब किया गया था, 1990 में वो 4 साल की थी, तो 1990 में 2022 तो 32 साल इधर हो गया, 4 साल वो उस टाइम की थी, 32 4 36, मतलब आज वो जो आज गर्ल तो नहीं बोल रहे हम, आज वो 32 ईयर्स की हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले उस टाइम में किया गया था। समझ आया जीन थेरेपी सबको? कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।